वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मेरे साथ कोरोना के डॉक्टर खड़े हुए हैं क्योंकि आज इसका फैंसी ड्रेस कंपटीशन था जो कि ऑनलाइन ही हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हो रहा है। तो उसमें मैंने अन्या को आज ये PPT किट पहना के और पूरा डॉक्टर का रोल इसने किया है, वो मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड करूँगी अपने अभी वीडियो में आगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट होता है। और बताइए आप लोग की, आप लोगों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे चल रही है? तो बस इसी तरीके से बीच बीच कभी राधा का बनने का आ जाता है, कभी कुछ फैंसी ड्रेस का आ गया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। ये परी बोल रही थी तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना ये इस समय ट्रेंडिंग है थोड़ा कोरोना का, तो डॉक्टर बना देते हैं। तो फिर ये किट वगैरह मिल गई मुझे, तो इसकी वजह से मैंने इसको ये डॉक्टर बना दिया है कोरोना का। और गाइज इसमें इसको बहुत गर्मी लग रही, AC चल रहा है तभी बहुत पसीना निकला है। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था इसके स्कूल भेजने के लिए, बस जल्दी से मैंने सोचा अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी मैं यहीं से कर देती हूँ, शूट कर लेती हूँ। तो बस अब इसको ज़्यादा मैं नहीं परेशान करूँगी, इसका सारा ड्रेस अप निकालने जा रही हूँ और फिर अभी आप लोगों को बाकी का आगे का रूटीन दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और आन्या का पूरा बन गया वीडियो, मैम को भेज भी दिया। अब देखिए मैम क्या बताती हैं। और खाने में मैं आज बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ एक मिनट, दही के आलू, रोटी और ये मैंने अभी घी गरम किया है तो इसको मुझे छानना है, और राइस भी बन चुके हैं। तो आज का यही मेरा लंच है। तो चलिए फिर लंच बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और देखिए अब मैम क्या बताती हैं उसके लिए जो वीडियो भेजा है। अभी तो मैम ने देख लिया है, अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक है तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैम को भी पसंद आएगा बहुत ज़्यादा ये वीडियो, मैम को भी पसंद आने वाला है। कुछ बच्चे शहीद भगत सिंह या फिर एक जो बॉयज़ हैं, कोई मोदी जी एक लोग बने हैं, इस तरीके से काफ़ी उस पर आ रहे हैं फैंसी ड्रेस के, बच्चों के सारे बच्चों के आ रहे हैं उस पर। और आज मुझे खाने में भी लेट हो गया इसी वजह से, थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, बाकी अब बना रही हूँ खाना। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स सुबह के बाद मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए मम्मी के यहाँ चले गए थे, मेरी मम्मी का घर पास में ही है, वहाँ चले गए। और वहाँ पर मैं कुछ इसलिए नहीं शूट कर सकती क्योंकि जाते ही मेरी भतीजी मेरा फ़ोन लेके उसमें गाने सुनने लगती है और तो मुझे भी उसके साथ साथ सुनाती है, डांस करवाती है, इनसे कहती है डांस करो। और कभी मैं उसका वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और तब तक आप लोग अभी आन्या का वीडियो देखिए जो कि मैं डालूंगी, जो इसने कोरोना के ऊपर थोड़ा सा बोला है उसको आप लोग इन्जॉय करिए, बताइएगा कैसा बोला है। और उसके बाद फिर डिनर टाइम है तो चलते हैं डिनर की प्रिपरेशन करते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, तो बस जा रहे हैं कपड़े चेंज करके और तुरंत डिनर की तैयारी करते हैं। तो चलिए फिर डिनर के टाइम भी हाफ पहने तभी मेरे पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। और तब तक आप लोग देखिए जो आन्या ने कोरोना के ऊपर थोड़ा सा बोला है अपने स्कूल के लिए, उसको देखिए इन्जॉय करिए और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। Morning, dear respected principal ma'am and my dear teachers. My name is Akshita Mishra from class 3A. On the occasion of Teachers Day, I am performing before you as a doctor. Hello, I am Akshita Mishra, doctor. I am Dr. Akshita Mishra. This is the time of COVID-19, so we have to be in our home or for important work if we have to go out. So with full safety, like wear a mask, wear a glove and take a sanitizer. And where you are going, be safe and do 2 meters distance from each other. And remember a slogan. Do guys, do the mask hai zaruri. Thank you ma'am and thank you respected principal ma'am. Thanks. और पता है अभी मेरी मम्मी ने चाउमीन बनाई है और मुझे देखकर बहुत पानी आ रहा है मुँह में, तो अभी मैं जल्दी से खाती हूँ। ये बनाई है मैंने, बस आप लोगों का वेट था, सबसे बड़ा वाइट आप लोगों का है।
और अपने लिए बनाई है ग्रीन टी, क्योंकि मेरा ग्रीन टी पीने का मन कर रहा था, मतलब मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन फिर चाय नहीं पी मैंने, ग्रीन टी बना ली, क्योंकि चाय मैं दो बार पी चुकी हूँ इस वजह से। तो चलिए मैं अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ और आन्या अपनी चाउमीन को इन्जॉय करती हैं, अपनी चाउमीन खाने जा रही हैं। और डिनर में आज कुछ खास नहीं फिर, क्योंकि ये चाउमीन खा लेंगी और थोड़ा रखा भी है सब्जी वगैरह, तो सिर्फ खिचड़ी बन रही है आज, खिचड़ी दही या चार। स्पेशल डिनर हाँ, कोई स्पेशल डिनर नहीं है, इसलिए कोई रेसिपी भी नहीं शूट करूँगी, और रेसिपी अभी तो शूट करना मुश्किल क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, उमस बहुत हो रही है। हम लोग एसी में बैठे तभी इतना पसीना आ रहा है, आप लोग देखिए। तो फिर अभी आपको फिर दिखाती हूँ कि क्या आज का नाइट रूटीन है मेरा, और नाइट रूटीन बस कुछ नहीं है, यही डिनर हो जाएगा, उसके बाद तो किचन वगैरह क्लीन करके, क्योंकि सुबह जल्दी हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो किचन क्लीन करके डाल देंगे सुबह के लिए। और देखिए मेरी खिचड़ी में सीटी भी आ गई, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे बिल्कुल रूम से बगल में ही किचन है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में चाउमीन खाकर। तो फ्रेंड्स अब मिल रही हूँ मैं आपसे, रात के 10 बज रहे हैं और पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, डिनर वगैरह, और अब ये हल्दी वाला दूध, ये जो कि रोज़ हम सब लोग पीते हैं, तो मुझे दूध कम पसंद है इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा लाती हूँ अपने लिए, और बाकी अपने हस्बैंड को और बेटी को भी मैं देती हूँ हल्दी वाला दूध, क्योंकि इस समय आप लोगों को पता ही है कोरोना टाइम चल रहा है, तो इम्यूनिटी पावर को अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, उसकी वजह से जितनी भी जैसे काढ़ा हुआ या फिर हल्दी वाला दूध हुआ, ये सब हम लोग पी रहे हैं। और क्योंकि हस्बैंड जो मेरे को हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो और थोड़ा सा केयर करनी होती है, तो उसकी वजह से उनको ज़रूर मैं रोज़ देती हूँ, और बाकी सारा काम हो चुका। और अभी सुबह की भी तैयारी, बच्ची भी आने भी जग रही हैं, ये सुबह की तैयारी। तो अभी मुझे ये सब्जी कट करके रखनी है, कुंदरू सुबह मैं बनाऊँगी, तो सब्जी कटी हुई होती है तो फिर सुबह ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस तुरंत पराठा या रोटी कुछ भी बना दूँगी मैं फटाफट से। तो बस अभी दूध पीते जाएंगे और सब्जी काट लेंगे, उसके बाद बस फिर सोने का ही टाइम है। और ये वीडियो मैं आज ही एडिटिंग कर दूंगी रात में, क्योंकि मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको शाम को एंड कर दूंगी, लेकिन शाम को मैं मम्मी के घर चली गई, तो फिर मैं नहीं कुछ अपना ब्लॉग शूट कर पाई। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना अब इसको अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं आज का, और आज की आज ही इसको अपलोड कर देते हैं, ताकि ये सुबह आप लोगों के पास सुबह तक पहुँच जाए। कोशिश करूँगी अगर सुबह तक हो गया पब्लिश, और अगर कुछ अभी तो वैसे ज़्यादा काम नहीं है, हो सकता हो भी जाए सुबह तक पब्लिश, नहीं हुआ तो हो सकता थोड़ा लेट हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ डेली रूटीन और डेली ब्लॉग शेयर करने का, और आप लोग आने का एक्ट जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि इनकी मैम ने कॉल करके स्पेशली बोला कि बहुत अच्छा एक्ट उनको लगा, और उन्होंने इसने स्टेटस पे लगा दिया था, तो फिर मैम ने फ़ोन किया कि आप स्टेटस से हटाइए इसको तुरंत, क्योंकि सब लोग देख लेंगे, और इसको अभी सब लोग ना देखें, क्योंकि वो जो 5 सितंबर टीचर्स डे है उसी दिन वो स्कूल में सबको दिखाएंगी ये वीडियो, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो फिर तुरंत मैं नहीं जान पाई थी, इसी ने लगा दिया था स्टेटस पे, मुझे नहीं पता था, वरना मैं अभी मना करती, क्योंकि तुरंत स्टेटस पे अभी नहीं लगाना ठीक था, तो फिर हटा दिया हमने, तुरंत हटा दिया, मैम का जैसी कॉल आया तुरंत हटाया। तो बस यही था आज का पूरा फुल डे का रूटीन, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं इसका जो एक्ट है वो इसमें ऐड करूंगी, मैंने बोला है इसमें मैं ऐड करूंगी जो स्कूल के लिए शूट किया है उसको, तो आप लोग देखिएगा कि कैसा बोला है, और जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। तो फिर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा। हाँ, और उसके बाद अब बस सोने का टाइम है, फिर मैं अपना पहनने में बहुत दिक्कत है। और सच में डॉक्टर्स को सैल्यूट ही करना पड़ेगा कि किस तरीके से उस किट को पहन रहे हैं। मैंने जब इसको पहनाया तो मैंने एसी ऑन कर दिया था, तब भी ये पूरा पसीने में भीगी हुई थी, और बीच में एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना एक्ट, तो फिर उसको जब मतलब फिर से दोबारा करना हुआ, तो मैंने ये सब हटा के इसका फिर से फेस जो है वो पोछा है टॉवल से, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके फेस पे पसीना हो गया था, तब फिर से इसने किया। चल रहा था तब भी, फिर जब मैंने वो किट उधारी तब जाकर एसी की हवा लगी थी, ऐसे और नहीं लगी थी। वही लगा कि सच में डॉक्टर्स लोग कैसे पहन रहे हैं, किस तरीके से सबका ख्याल रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये एक तरीके से मतलब हम लोग उनको जितना ज़्यादा हम लोग उनको सराहना करें उतनी कम है, क्योंकि इतना बड़ा था कि उसको फुल साइज का होता है, इनके साइज का था नहीं, लेकिन वो इनको वीडियो बनाना था तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा नीचे से फोल्ड कर दिया था किसी तरीके से, और तब भी ये खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो किसी तरीके से इनका जो एक्ट था वो हो गया, और काफी मैम को पसंद भी आया, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया, आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक भी था इसलिए
और सब लोग कोई तो मोदी बना तो कोई चाइना के एप्स के बारे में जो बैन हो गया उसके बारे में बता रहा था, और रानी लक्ष्मीबाई हाँ। कोई सरी, मतलब सबने अलग अलग का, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, सारे बच्चों ने ही बहुत अच्छा किया सबके वीडियो, क्योंकि एक मैम ने ग्रुप बनाया है उसी पे सबके वीडियो आ रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने बच्चों का अभी तक वीडियो आया है सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम ने इनकी बहुत तारीफ करी और मुझे लगा कि ये लेटेस्ट में थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इसी पे मैं बना देती हूँ, इसलिए मैंने इस। और सब लोग कोरोना का ही बोल रहे थे, जैसे कि जो मोदी जी हैं हाँ, जो उन्होंने भी कोरोना का ही बोला है और ये कोरोना की डॉक्टर बनी थी, तो इस तरीके से आज का जो था इनका वीडियो बन गया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और आप लोग भी देखिएगा उसको, एंजॉय करिएगा। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।